नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। हमेशा की तरह आपके साथ आज फिर एक और नए विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। मैं हमेशा ही आप लोगों के साथ वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की भी बातें शेयर करता हूँ। मैं जो बातें आपके साथ शेयर करता हूँ, वो बातें, वो अनुभव मेरा अपना साइट्स का भी होता है, यानी जो मैं साइट विजिट्स करता हूँ उनका अनुभव भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आज जो विषय है वो है वेस्ट और साउथ कॉर्नर का प्लॉट। वेस्ट और साउथ कॉर्नर का जो प्लॉट होता है उसे वास्तुशास्त्र में अच्छा नहीं माना जाता। अच्छा इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि हमेशा ही वेस्ट का भाग और साउथ का भाग गली आने के कारण ओपन हो जाता है। आपका कोई प्लॉट ऐसा है और आप उसमें घर बनाने जा रहे हैं, आपके पास दूसरी ऑप्शन नहीं है या घर बदलने की ऑप्शन नहीं है और आप ये चाहते हैं कि मैंने इसी के अंदर अपना घर बनाना है, तो मैं आज आपको इसमें वास्तु के अनुसार बिल्डिंग को कहाँ बनाना चाहिए, कौन सा हिस्सा आपने ओपन रखना है और कौन सा हिस्सा आपने कवर करना है, इसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। जो जानकारी दे रहा हूँ वो बड़ी खास है। आपके प्लॉट के वेस्ट में भी गली लगती है और साउथ में भी गली लगती है। आपका प्लॉट ईस्ट टू वेस्ट लंबा है और नॉर्थ टू साउथ चौड़ाई में है। ऐसे में आपको करना क्या है? अगर आपके प्लॉट का साइज़ बहुत बड़ा है तो मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, आप चारों तरफ अपने प्लॉट के ओपन एरिया छोड़कर बिल्डिंग बनाएंगे तो आपको उसमें फ़ायदा मिलेगा। ध्यान रखना है, जब आप बिल्डिंग बनाएं तो बिल्डिंग के साउथ और वेस्ट के भाग में ओपन एरिया कम होना चाहिए, नॉर्थ और ईस्ट के भाग में ओपन एरिया ज़्यादा होना चाहिए। इसी के साथ आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जब आप ये ओपन एरिया रखेंगे तो इसमें जो फर्श की ढलान है वो साउथ वेस्ट कॉर्नर से नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की ओर लेकर जानी है। आपके प्लॉट का साइज ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है, तो ऐसे में आप एक काम जरूर कीजिएगा, अपनी जो बिल्डिंग बनाएं वो वेस्ट और साउथ की दीवार के साथ टच करती हुई बिल्डिंग को बनाएं। यानी इस प्रकार से आपका साउथ ईस्ट कॉर्नर से लेके नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर तक और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से लेके नॉर्थ होते हुए नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर तक आपने ओपन एरिया जरूर रखना है। पूरी बिल्डिंग आपकी साउथ वेस्ट के भाग में बन जाती है। ऐसा करने से आपके प्लॉट के अंदर की जो वास्तु एनर्जी है वो बढ़ जाती है क्योंकि इस प्लॉट का नॉर्थ भी ओपन हो जाता है और ईस्ट भी ओपन हो जाता है। इसी के साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, आप दोनों साइड में से एक साइड ओपन रख सकते हैं, दोनों साइड ओपन नहीं रख सकते, तो ऐसे में आपने ईस्ट के भाग में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से साउथ ईस्ट कॉर्नर तक ओपन एरिया रखना है। जब आप ईस्ट के भाग में ओपन एरिया रखेंगे वो ओपन एरिया आपका पूरे घर के फर्श के लेवल से नीचा होना चाहिए और ऐसे घर के अंदर फर्श की ढलान सही होना बहुत ज़रूरी है। फर्श की ढलान सही नहीं होगी तो ऐसे प्लॉट में घर बनाते समय जब आप उसमें रहेंगे उस दौरान भी आपको परेशानियाँ उठानी पड़ेगी क्योंकि साउथ वेस्ट कॉर्नर जब भी खाली होता है तो उस घर के अंदर ना तो कभी स्टेबिलिटी आती है, पैसे का ठहराव नहीं बनता है, आपसी संबंध में भी कहीं ना कहीं दिक्कत महसूस होती है। जिस प्लॉट के वेस्ट में भी गली लगती है और साउथ में भी गली लगती है ऐसे प्लॉट में ईस्ट के भाग में या नॉर्थ के भाग में या नॉर्थ ईस्ट के भाग में ओपन एरिया जरूर रखिए। जो बातें मैंने आपको बताई है ऐसा करने से इस प्लॉट के अंदर जब आप बिल्डिंग बनाएंगे तो इस बिल्डिंग की वास्तु काफ़ी हद तक सही हो जाएगी, इसके अंदर जो एनर्जी लेवल है, जो वास्तु की एनर्जी लेवल है वो बढ़ जाएगी। जब आप ऐसे बिल्डिंग बनाएं तो उसमें साउथ वेस्ट का, साउथ वॉल का और वेस्ट वॉल का जितना ज़्यादा हिस्सा सॉलिड रख सकते हैं उतना ही अच्छा रहेगा। सॉलिड का मतलब ये है कि आप साउथ वेस्ट कॉर्नर में साउथ की दीवार पर और वेस्ट की दीवार पर कोई खिड़की दरवाज़ा ना लगाएं। जितना मजबूत इस कोने को रखेंगे आपके घर के अंदर उतनी ही खुशहाली बढ़ेगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को आप अपने सर्कल में शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि मेरी हर एक वीडियो में वास्तुशास्त्र की बारीकियों के साथ साथ
अनुभव की भी जानकारी होती है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को अपने सर्कल में शेयर जरूर कीजिए। हो सकता है मेरी इस वीडियो से आपके रिलेटिव है, आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड सर्कल है, कोई व्यक्ति अपना घर बना रहा है, तो हो सकता है मेरी ये वीडियो उस व्यक्ति के काम आ जाए। इस वीडियो को अपने सर्कल में शेयर जरूर कीजिएगा। आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली मेरी जितनी भी वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।